दोस्तों, मुर्गियां सबसे ज्यादा पाले जाने वाले जानवर हैं, जिनका उपयोग उनके मांस और अंडों के लिए किया जाता है। भले ही ये सदियों से एक पुराना मुद्दा रहा है कि पहले कौन आया, मुर्गी या अंडा, लेकिन पूरे अंटार्कटिका को छोड़कर ये मुर्गियां पूरी दुनिया में पाई जाती है। एक मुर्गे की ऊंचाई 70 सेंटीमीटर तक हो सकती है और उसका वजन लगभग 2.6 किलोग्राम तक होता है और उसकी पूंछ 30 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। नर मुर्गे को मुर्गा और मादा मुर्गे को मुर्गी कहा जाता है। शोध से पता चला है कि इस दुनिया में लगभग 25 अरब मुर्गियां पाई जाती है, जो उन्हें सबसे अधिक संख्या वाली पक्षियों की प्रजाति बनाती है। और अगर बात करें इनकी प्रजातियों की, तो इस दुनिया में इनकी लगभग 1600 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन मुर्गियों का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि इससे पहले मैंने बहुत से जानवरों के जीवन चक्र की वीडियो बनाई हुई है, जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला। और आज हम आपके लिए एक और जीवन चक्र के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इनका ये मिलन कुछ मिनटों से लेकर घंटों तक चल सकता है। तो जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद ही मादा अंडे देने की अवस्था में आ जाती है। आपको बता दूं कि मुर्गियों में अंडे देने की प्रक्रिया गर्मियों के लंबे महीनों के दौरान होती है। तो जैसे ही ये अंडे देने की अवस्था में आ जाती है, उसके बाद ये एक सुरक्षित स्थान की तलाश कर घोंसला बनाना शुरू करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये घोंसला बना रही है। और जैसे ही ये अपना घोंसला बना लेती है, उसके बाद ये अंडे देना शुरू करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये अंडे दे रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मादा मुर्गी को अंडे देने में लगभग 23 से 26 घंटों का समय लगता है। अंडों का पहला सेट देने के एक घंटे बाद ही मादा मुर्गियों में एक और एवोल्यूशन होता है, और वो ये है कि मादा मुर्गियां हर साल 300 अंडे दे सकती है। ये मुर्गियां तब तक अंडे देते रहती है जब तक उसके घोंसले में उचित संख्या में अंडे जमा नहीं हो जाते। तो जैसे ही ये सारे अंडे दे देती है, उसके बाद ये अंडों को सेना शुरू करती है, जिससे अंडों को एक अनुकूल तापमान मिलता है, और इस तरह इन अंडों को वो सारे अवशोषण मिल जाते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है। ये सारी प्रक्रिया लगभग 21 दिनों तक जारी रहती है। तो जैसे ही 21 दिनों का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद अंडों से चूजे निकलने शुरू होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये चूजे बाहर निकल रहे हैं। ये चूजे बहुत ही छोटे और प्यारे होते हैं, और इनका शरीर भी पूरा गोल मटोल होता है। इसके अलावा ये प्यारी आवाजें निकालते हैं और अपनी माँ के पीछे पीछे चलते हैं। मादा मुर्गी अपने बच्चों पर प्रभाव डालती है। ये बच्चे अपने नए वातावरण में रहने के लिए पूरी तरह से अपनी माँ पर ही निर्भर होते हैं, और इस दौरान इन्हें सही तरीके से खाना पीना ढूंढना, चरना और आदि चीज़ें सिखाई जाती है। ये चूजे बहुत ही नाजुक और अस्थिर होते हैं, और जैसे जैसे इनकी मांसपेशियां विकसित होती जाती है, वैसे इनके पैरों को मजबूती मिलती जाती है। छोटे चूजे बहुत ही तेज़ी से विकसित होते हैं, और इनके शुरुआती पहले महीने में इनका आकार दोगुना हो जाता है, और तीसरे और चौथे सप्ताह तक ये चूजे थोड़े और बड़े हो जाते हैं, और इनमें पर्याप्त पंख भी विकसित हो जाते हैं। और इस तरह 8 हफ्तों के बीत जाने के बाद ये चूजे इतने बड़े हो जाते हैं कि ये अकेले ही बाहर घूम सकते हैं,
और अपना खाना भी ढूंढ सकते हैं और उसे बदल भी सकते हैं। यानी ये अनाज के अलावा भी कीड़े मकोड़ों और आदि चीज़ों को भी खा सकते हैं। तो जैसे ही ये 50 दिनों के हो जाते हैं, उसके बाद ये किशोरा अवस्था में पहुंच जाते हैं, जिसे पुल्लेट कहा जाता है। इसके जीवन चक्र में पुल्लेट अवस्था सबसे असुविधाजनक होती है। पुल्लेट के पंख बिखरे हुए और अजीब शरीर वाले होते हैं, जिनमें इनके पंख भी पैरों जैसे दिखाई देते हैं। और जब ये मुर्गियाँ वयस्क होने की ओर बढ़ रही होती है, तो उन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पुल्लेट वयस्कों जितने बड़े और शक्तिशाली नहीं होते। एक पुल्लेट एक वयस्क मुर्गे के आकार का 2/3 होता है, जिसके कारण ये वयस्क मुर्गियाँ छोटे मुर्गियों पर हमला करती है, और इसीलिए इनका खास ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, चूजे की तरह पुल्लेट अवस्था भी मुर्गी की नस्ल के आधार पर अलग अलग होती है। पुल्लेट की अवधि तब तक चलती है जब तक ये मुर्गियाँ लगभग 20 सप्ताह यानी 5 महीनों की नहीं हो जाती। लेकिन इस अवस्था में भी कुछ मुर्गियाँ होती है जो अंडे दे देती है, लेकिन इनके अंडे वयस्क मुर्गियों की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं। तो जैसे ही ये 5 महीनों के हो जाते हैं, उसके बाद ये पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं, जिसके बाद ये मुर्गे बांग देना शुरू करते हैं, जिसके बाद ये अपने साथी की तलाश कर मिलन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और एक बार फिर ये जीवन चक्र शुरू हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये वयस्क मुर्गियाँ औसतन हर दिन लगातार अंडे देते रहती है। हालांकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ये एक दिन अंडा नहीं देते, जो कि एक सामान्य बात है। और अपने जीवन के शुरुआती 1 से 2 वर्षों तक ये वयस्क मुर्गियाँ लगभग हर दिन अंडे देती है, जिसके बाद ये कुछ महीनों तक अंडे देने से बचते हैं, क्योंकि इस दौरान ये अपने पंख उखाड़ेंगे और नए पंख उगाएंगे, जिसके बाद ये धीरे धीरे अंडे देना कम कर देते हैं, और कभी कभार तो ये अंडे देना ही बंद कर देते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण इनमें होने वाली बीमारी या फिर इन्हें पर्याप्त मात्रा में रोशनी नहीं मिलती, जिसकी वजह से ये अंडे देना बंद कर देते हैं। और अगर बात करें इनके जीवन काल की, तो एक स्वतंत्र मुर्गी का जीवन काल 6 से 8 वर्षों का होता है, और जो मुर्गियाँ मुर्गी पालन फार्म में पाली जाती है, उनका जीवन काल 30 वर्षों का होता है। लेकिन शर्त यह है कि उसका मालिक मांस के लिए उसे ना मारे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।